स्टार्ट करते हैं फिर से फार्माकोडायनामिक। सो पहला मेरा लेक्चर था कि फार्माकोकाइनेटिक फार्माकोडायनामिक का ओवरव्यू। सो आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ फर्स्ट फार्माकोडायनामिक, उसके बाद फार्माकोकाइनेटिक के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली फार्माकोडायनामिक में मतलब बात की थी कि व्हाट डज ड्रग डू टू द बॉडी, ठीक है। तो दोनों वर्ड में, एक तो फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनामिक, दोनों वर्ड में फार्माको दोनों में वर्ड आ रहा है, दोनों वर्ड में सेम है। और डिफरेंस क्या है डायनामिक और काइनेटिक में? तो डायनामिक में यानी डी शुरू होता है ड्रग्स के, ठीक है। तो हम ड्रग के इस्तेमाल करेंगे तो व्हाट डज ड्रग टू डू द बॉडी, यानी ड्रग्स का इफेक्ट कौन सा होगा बॉडी पे, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप सवाल करेंगे अपने आप से कि आप ड्रग क्यों लेते हैं, ठीक है, अगर आपने ड्रग ले ली तो उसके असर क्या होंगे, तो मैं बताऊँ तो वाई यू आर टेकिंग अ मेडिसन, आप मेडिसन क्यों लेते हैं, ठीक है। और व्हाट हैपेंड, और उसके बाद क्या होता है, व्हाट हैपेंड व्हेन यू टेक अ मेडिसन, आपने मेडिसन ली उसके बाद उसका इफेक्ट कौन सा हुआ। तो बेसिकली देखें, एंटीबायोटिक, सपोज़ हम क्या एक ड्रग ले रहे हैं, एंटीबायोटिक बेसिकली क्या है, ड्रग है एक चीज, ठीक है, याद रखना एंटीबायोटिक मतलब क्या, ड्रग। अगर आप एंटीबायोटिक लेते हैं तो उसका असर इफेक्ट कौन सा होगा, व्हाट हैपेंड आफ्टर टेकिंग एंटीबायोटिक, एक उसका डिजायरेबल भी इफेक्ट हो सकता है और अनडिजायरेबल भी इफेक्ट हो सकता है, दोनों चीज़ हो सकती हैं, एक डिज़ायरेबल इफेक्ट भी हो सकता है और अनडिज़ायरेबल इफेक्ट भी हो सकता है, किसका, ड्रग का। अगर हम डिज़ायरेबल इफेक्ट की बात करें, तो हम देखें डिज़ायरेबल इफेक्ट यानी आप कोई चीज़ आपको फ़ायदेमंद हो, यानी पॉजिटिव की तरफ जाए एक चीज़, यानी डिज़ायरेबल इफेक्ट हो। वो कौन कौन से होते हैं, डायग्नोसिस, प्रिवेंटेशन, ट्रीटमेंट, ठीक है, डायग्नोसिस, प्रिवेंटेशन, ट्रीटमेंट। अगर मैं बात करूँ अनडिज़ायरेबल इफेक्ट की, यानी जो डिज़ायर पॉजिटिव, अगर यूँ कहें नेगेटिव इफेक्ट, यानी साइड इफेक्ट भी हो सकता है, एडवर्स इफेक्ट भी और टॉक्सिक इफेक्ट भी। साइड इफेक्ट मन यानी एक चीज़, इस हर चीज़ के एंटीबायोटिक के साइड इफेक्ट होते हैं, डिज़ायरेबल इफेक्ट भी और अनडिज़ायरेबल इफेक्ट भी। यानी आपने गोली ली सर दर्द की तो आपका सर दर्द तो दूर हो गया, उसके साइड इफेक्ट भी कुछ और हो सकते हैं, वोमेंटिंग, डायरिया। और एडवर्स इफेक्ट यानी एन एडवर्स इफेक्ट इज एन अनडिज़ायरेबल इफेक्ट, यानी आपका अनडिज़ायरेबल इफेक्ट हो फ्राम मेडिकेशन, यानी एक कोई मेडिसन से हो, उसको बोलते हैं एडवर्स इफेक्ट। टॉक्सिक इफेक्ट यानी आपकी बॉडी का ऑर्गन यानी टॉक्सिक हो, कोई भी एक ऑर्गन, सारा ऑर्गन वो क्या हो, टॉक्सिक इफेक्ट की तरफ जाए, उसको बोलते हैं टॉक्सिक इफेक्ट। यानी आपकी बॉडी का कोई ऑर्गन एक क्या हो जाए, हार्मफुल हो जाए, उसको बोलते हैं टॉक्सिक इफेक्ट। अगर मैं दो वर्ड में एक डिज़ायरेबल और अनडिज़ायरेबल इफेक्ट को दोनों को कंबाइन करूं तो एक चीज़ बनती है फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट बनता है। यानी दो, एक डिज़ायरेबल इफेक्ट और अनडिज़ायरेबल इफेक्ट को अगर आप कंबाइन करें तो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट बनता है। सपोज़ आपने एक एंटीबायोटिक ली, ठीक है, एंटीबायोटिक यानी यार एक ड्रग ली आपने कोई भी, तो अगर आप ड्रग लेते हैं, ठीक है, उसका डिज़ायरेबल इफेक्ट, अगर हम चलें डिज़ायरेबल इफेक्ट की तरफ है, तो क्या करती है, अगर डिज़ायरेबल इफेक्ट की बात करें कि सपोज़ आपने एंटीबायोटिक ली तो अगर बैक्टीरिया की तरफ जाएं, आपने एंटीबायोटिक ली है बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए, इसके लिए बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए, तो वो एंटीबायोटिक क्या होगी, आइदर डिस्ट्रॉय द बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया को या कम्प्लीटली से डिस्ट्रॉय करेगी और इनहिबिट ग्रोथ करेगी बैक्टीरिया को, यानी बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करेगी और या डिस्ट्रॉय करेगी एक कोई भी एक ड्रग या मेडिसिन।
यानी अब मैंने यहाँ एक सेल वाल लिखा है किसका, बैक्टीरिया का। ये क्या है, सेल वाल है किसका, बैक्टीरिया का। अगर मैंने यहाँ एक एंटीबायोटिक लिए या एक सेल वाला बैक्टीरिया के बिना कोई एंटीबायोटिक लिए, अगर मैं यहाँ एंटीबायोटिक लेता हूँ तो उसके क्या सेल को क्या करेगी, रेप्चर करेगी एंटीबायोटिक। ठीक है, जब ये रेप्चर हो जाएगा सेल वाल की, बैक्टीरिया की सेल वाल, तो जब रेप्चर हो जाएगा तो ना बैक्टीरिया ग्रोथ करेगा, ठीक है, इनहिबिट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने एंटीबायोटिक लिए किसके इसके लिए, चाहे डिस्ट्रॉय करे बैक्टीरिया को या बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करे, या ना एंजाइमेटिक फंक्शनली होगी बैक्टीरिया की और बैक्टीरिया ना डीएनए का रिप्लिकेशन करेगा, ठीक है, तो नॉट बैक्टीरिया सर्वाइव, फिर सर बैक्टीरिया जो है वो सर्वाइव नहीं करेगा, फिर क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी। ठीक है, आइदर इट इनहिबिट एंजाइम उसकी, या एंजाइम इनहिबिट हो जाएगी, या प्रोडक्शन ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन इनहिबिट,